सो गाइस, कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सारे धुल चुके हैं, बस लास्ट बार है। अब मैं ये सोचूँ मतलब सूख भी सूखेंगे कैसे, मतलब थोड़ा सा और चल जाए, उसमें एक बेडशीट और है तो उसको सुखाऊंगी कहाँ। तो या तो उसको मॉर्निंग में धो तो अभी देती हूँ और ड्राई कर देती हूँ, मॉर्निंग में सुखा दूंगी, या फिर देखती हूँ जगह मिलेगी तो। ये क्योंकि ऑलमोस्ट ये वाला सूख चुका है, मैंने दोपहर में धोया था इसको, तो ये शायद हाँ सूख चुका है। और इधर हमारे हिजुडा को देखो, हिजर क्या कर ले बच्चा, ये क्या कर ले, दिया बत्ती कर रहे हो क्या? अरे बाप रे, आहा, ये भाई हेजल ने दिया तोड़ दिया है और ये मैंने उठा लिया दिया। क्या किया जान दिया आपने, क्या किया बेटा? आ क्या, आ आ क्या होता है? हाँ आप कभी मम्मा बोलते हो, कभी मम्मी बोलते हो, हाय बोल रहे हो ए? गाइस हाय बोल रही है हेजल, हेलो। अरे बहुत चिल्ला लियो आप तो। हाँ चलो कपड़े धुल रहे हो उधर, किसको देख लो, कपड़ों को देख लो, कपड़ों को देख रहे हो, बस अब वो जाएगी उधर, गाइस उधर जाएगी, वहां उन्हें ये चाहिए कि मैं पकड़ लूँ, मगर हाथ में नहीं आएंगे वो। ये देखिए हेजल, ए प्रिंसेस कम बैक बेटा, हेजल हेजल नहीं सुनेगी गाइस। अच्छा पता है ये एक चीज है, सेफ्टी है इस वॉशिंग मशीन में, जो फ्रंट लोड मशीन होती है, एक बार लॉक हो जाती है तो वापस, मतलब वापस अनलॉक नहीं होती है जब तक वो वॉश नहीं हो जाती। और इस सच में बहुत अच्छी है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चे क्या चलते चलते खोलने की डर रहता है उनको कि खोल ना दे, तो ये सच में बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी दी है सैमसंग वालों ने। ये फिर और में भी होगी बट मेरी वाली में तो है। सो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ चॉपिंग और मैं बनाऊँगी अब खाना, क्योंकि 7 बजते ही मैं किचन में आ जाती हूँ और जितना मैं सोचती हूँ जल्दी हो उतना ही अच्छा है, उतना ही जल्दी मैं सो सकूँ ताकि सुबह वापस जल्दी उठ सकूँ। तो इधर मुझे हेजल बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, खुद भी परेशान होती है, मुझे भी करती है, और अकेले बिल्कुल भी नहीं खेलती है और हम दो ही हैं। हेलो गाइस, हेजल के पापा का भी फ़ोन आया था जब मैं चॉपिंग कर रही थी कि आज मैं खाना भारी खाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा यार अभी फिर सब्जी बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर मैं अकेले के लिए कैसे करें, चलते हैं कुछ खा के आते हैं, पेट पूजा करते हैं, और इसी बहाने हेजल भी बाहर घूम लेगी। बहुत दिन हो गए हेजल को भी बाहर कुछ घुमाया हुआ है, तो रात हो चुकी है, देख सकते हो 7 बज रहे हैं। और तो क्या, चलो चलते। सो गाइस, मैंने सारी चाय पैक करवा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो अब मैं घर पे ही, मम्मी के घर पे आ गई हूँ और हेजा हमारा सो गई है और मैं सोया चाप खाऊंगी। चलो गाइस खा के मिलती हूँ आपसे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो इट्स नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ द स्प्रिंग अनियन की सब्जी। तो मैं बना रही हूँ स्प्रिंग अनियन की सब्जी, तो मैंने लिया है, मैंने ये काटा, देखिए स्प्रिंग अनियन को दो बाउल्स में काटा है क्योंकि जो वाइट स्प्रिंग अनियन से उनको अलग लिया है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है इसमें जो फ्रेश जो है मतलब ये पत्तियां हैं जो फ्रेश लिया है, जो नीचे के एकदम होते हैं जो एकदम डेड होते हैं उनको नहीं लिया, तो मैंने इनको अलग अलग काटा है। और फिर ये अनियन और मिर्ची, ये अनियन और चिली और ये पोटैटो। तो अब मैं, मेरा दूध गर्म हो चुका है, मतलब दूध भी गर्म हो चुका है और इधर मेरा हो रहा है सब्जी की तैयारी। तो लहसुन वगैरह मैंने कर दी है, बस एक टमाटर डालना बाकी है। तो अब मैं इसमें इंक्लूड करूँगी सबसे पहले गाइस जीरा, क्योंकि तेल आपको दिख रहा है धुआँ आ रहा है तो मतलब तेल आ चुका है, तो मैं इसमें इंक्लूड करूँगी सबसे पहले। ये हमारा दूध आ चुका है, इसको बंद कर देती हूँ। तो गाइस मेरी आदत क्या है, आज का सुबह सुबह मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, तो फिर क्या हेजल के उठने के बाद मैं फ्री रहती हूँ, ये तो फिर वो काम नहीं करने देती। सो गाइस मैंने डाल दी है इसमें प्याज, हरी मिर्च और देख सकते हो आप गार्लिक, गार्लिक नहीं दिखेगा गाइस इसमें क्योंकि बहुत छोटे पीसेज हैं गार्लिक के। तो अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक मेरे जो अनियन हैं वो एकदम लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं, तब तक पकाऊंगी मैं। तो क्योंकि जितना हम लोग इसको पकाएंगे अच्छे से उतने ही टेस्ट में बहुत अच्छी आने वाली हमारी सब्जी।
तो यार सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा कुछ ऐसा तरीका है स्प्रिंग अनियंस बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तो गाइस मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं आलू, और अब मैं तब तक पकाऊंगी इनको जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं एकदम। तो मैं इसको एकदम ढक के थोड़ा से देर 5 से 7 मिनट तक इसको मैं ढक के रखूंगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो तब तक मैं क्या करती हूँ आटा लगा लेती हूँ। और एक पता एक वैसा कमेंट आया था कि जीजा कम से कम अपनी कढ़ाई तो धो लिया करो, कितनी काली है। तो वैसा ये जो कढ़ाई इसका कलर ही है, ये आज की कढ़ाई नहीं है, 25 साल हो गए शायद इस कढ़ाई को, और ये हमारे ग्राम से लेके आए थे और हम लोग सब्जी इसी में बनाते हैं। हम लोगों के बहुत मतलब कढ़ाई है लेकिन इसमें बहुत टेस्टी बनती है वैसा। तो किसी किसी की चीज़ होती है ना फेवरेट, तो वैसे ये हमारी फेवरेट कढ़ाई है, हम सब्जी इसी में बनाते हैं। तो इसमें मिक्स वाइट स्प्रिंग अनियंस को इसमें कर दिया मिक्स, और अब हम इसे 5 से 7 मिनट 5 मिनट आपको तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 5 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे इसके साथ ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। सो गाइस आटा मेरा लग गया है और मैंने इनको अच्छे से सॉफ्ट भी कर लिया है, जो वाइट स्प्रिंग्स थे तो उनको अच्छे से मैंने पका लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर, टमाटर के साथ फिर मैं जो भी मसाला है हमारा स्वाद अनुसार वो डाल दूँगी। लास्ट में मैं ऐड करूँगी हमारे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं गाइस, इसलिए इसको मैं लास्ट में ऐड करती हूँ इसके अंदर। तो देख सकते हो आप ये पक चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ टमाटर। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड हो गया था वीडियो बनाते बनाते, और ये आप लास्ट देख सकते हो सारी सब्जी खाली हो चुकी है। तो ये गवाह है गाइस कि मैंने कितनी टेस्टी सब्जी बनाई थी। तो उसी टाइम के हेजल के पापा आ गए थे तो मैंने उनको खाना सर्व कर दिया था, तो अब बस हम लोगों ने दोनों ने एक साथ ही खाना खा लिया था, ये देखिए प्लेट। तो गाइस सॉरी सो सॉरी, लेकिन लास्ट का यही था कि उसमें स्प्रिंग अनियन जो ग्रीन्स थे वो करके और देन उसको 2 मिनट मुश्किल से पका देना, देन हमारी सब्जी रेडी टू सर्व हो गई थी। तो मेरा फ़ोन क्या गलती से डेड हो गया, मैंने बैटरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सुबह उठते मैंने क्या व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी ना शूट करना। तो चलो इसको अब मैं रख देती हूँ, हम लोगों ने खाना खा लिया है दोनों ने एक ही थाली में, और इतनी टेस्टी। जब वो आते हैं ना तो मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है ये शूट एंड ऑल। तो चलो हेजल के लिए मैंने खाना बना दिया था, और अब मैं थोड़े से जो बर्तन है ये धो देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं होते हमारे बर्तन, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तब ज़्यादा होते गाइस। कर लेती हूँ बर्तन, थोड़े से बर्तन रह रहे हैं मेरे। तो फटाक से हम लोगों ने खाना खाया, मैंने फटाक से अभी शावर लिया खाना खाते ही जस्ट, और फिर मुझे याद आया अरे यार फिर मेरा मतलब मैंने चार्ज भी किया फ़ोन को, एकदम डेड हो गया था, उसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली मेरा था कि मैं पूरी रेसिपी दिखाऊँ आपको, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया गाइस, क्योंकि पता नहीं कैसे डेड हो गया, फिर सब्जी बन गई, उतने में मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उन्होंने बोला खाना डाल दो, तो मैं वीडियो के लिए रुक नहीं सकती थी, और फिर उन्हें भी पसंद नहीं है कि मैं मतलब पूरे दिन व्लॉगिंग करूँ, तो इस वजह से फिर हम लोग क्या थोड़ा सा प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया साथ में, और फिर मैं शावर लेके हिजा को सुला के आई हूँ, और थोड़े से जो हमारे अभी बर्तन हुए वो धो के और फिर मम्मी के पास चलते हैं। तो चलो साथ में ही धोते हैं। एक पैसा ने मुझसे पूछा था कि आप ना कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो पैसा मैं अभी आपको दिखा दूंगी, आपने कहा था कि मुझे वीडियो में ज़रूर दिखाना, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर और कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा जब तक मैं बर्तन कर देती हूँ।
तो ये एक एरास्टेस का सीरम जो कि मैं मेरा जो हेड वॉश कर लेती हूँ उसके बाद में जब हल्के से गीले होते हैं तब मैं लगाती हूँ अपने बालों पे। और इसकी कॉस्टिंग भी कुछ 3500 के अप्रॉक्स है, मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन हाँ इतने तक की है। सो ये कैरेस्टेस का कंडीशनर जिसे हम मास्क भी बोलते हैं और इसको शैम्पू होने के बाद में हम यूज़ करते हैं बालों पर। सो इसकी प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है पर 2500 प्लस ही है इसकी प्राइस भी। और ये कैरेस्टेस का शैम्पू है, इसकी प्राइस भी 2500 है और सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो गाइस यहाँ हो रही हूँ मैं रेडी और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ क्योंकि प्राइस मुझे अच्छे से नहीं पता है, मैंने एक साथ मेरे सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे तो मेरा बिल 8,500 के आसपास बना था। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे कपड़े धुल रहे हैं, जब भी मैं बालकनी में आती तो उसको ये समझ लीजिए कि मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो कल के कपड़े मैंने उतार के फोल्ड कर दिए हैं और आज का मेरा डेली रूटीन का काम हो गया। 4 बज रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मम्मा के पास जाती हूँ और हेज़ल भी सो रही है तो आज तो बहुत लंबा सोई है और टचवुड और तो क्या मतलब अभी मतलब कुछ समझ में नहीं आता यार, दिन ऐसे शुरू होते हैं और ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, कितना भी मैं जल्दी उठूँ कितना भी, लेकिन पता है आपको 4 तो बजनी है, 3-4 तो मतलब बज ही जाते हैं, चाहे मैं कितना भी जल्दी उठूँ, चाहे मैं 9 बजे उठूँ 8 बजे उठूँ 7 बजे उठूँ या 11 बजे उठूँ, टाइम तो मुझे 3 या 4 तो बज जाते हैं। मैं शावर लेके आई हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए, बर्तन वर्तन जो भी छोटा मोटा जैसे पट्टी वट्टी वगैरह जो भी साफ़ करनी थी वो कर दिया और तो क्या बस गाइस यही चल रहा है लाइफ में। प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ना प्लीज़ बताओ यार कोई कंटेंट बताओ मुझे, क्योंकि मतलब डेली तो क्या ही मैं ही आपको ये लाइफ दिखाऊंगी तो आप भी बोर ही हो जाओगे, तो इसलिए मैं बीच में गैप ले लेती हूँ कि यार डेली रूटीन का क्या ही दिखाऊँ आपको। और इन दिनों मेरा कहीं बाहर जाना भी नहीं होता है, कहाँ जाऊँ, हेज़ल को लेके भी वो बहुत छोटी है तो वो स्कूटी वगैरह पर बैठ नहीं सकती है। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं आपके लिए ऐसा क्या लेके आऊँ जिससे मतलब आप एकदम मतलब यू नो आपको इंटरेस्ट आए मेरे व्लॉग में और मुझे भी आए। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, होप सो। हाँ मुझे पता है आज के व्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं था गाइस, लेकिन ठीक है जैसा भी था आपने बोला कि जैसा भी बनाना है जीजा बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर, एक दिन भी आप मतलब बीच में मत छोड़ो, तो इस वजह से मैंने बनाया। वैसे मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था लेकिन ठीक है, डेली मुझे अपडेट देनी है अपनी तो अब यही दूंगी जो हो रहा है मेरी लाइफ में। तो चलो मैं क्या करती हूँ, मेरी एक एक मूवी है ना 5-5 दिन चलती है क्योंकि हेज़ल मुझे देखने नहीं देती मूवी, तो नेटफ्लिक्स पर मैं करती हूँ, अब मैं जाऊँगी और नेटफ्लिक्स चला के और 1 घंटे मूवी देखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मूवी 3 दिन से चल रही है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो आज शायद हो जाएगी, 1 घंटे की बाकी है क्योंकि मैं उसको किस्तों में इंस्टॉलमेंट में देखने लग गई आजकल। तो बच्चों की मॉम्स जो होती है ना वो नहीं होता है, वो जब भी मैं लेके बैठती हूँ तब उठ जाती है या फिर कुछ काम हो जाता है मुझे, तो मेरी वो मूवी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो अभी मैं नेटफ्लिक्स में मूवी देखूँगी, उसके बाद मैं मम्मी के पास जाऊँगी और आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। खूब सो हाँ, मतलब मुझे पता है आज का व्लॉग आपको अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है अच्छा नहीं लगा है तो अभी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, और मुझे बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको नेक्स्ट व्लॉग में पक्का मज़ा आएगा क्योंकि मैं फिर जाऊँ, आज बाहर जाने वाली हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं मम्मा के घर पे। मेरी मम्मी को जो मतलब मेरी पियर वाली फैमिली को व्लॉगिंग वगैरह मेरे हस्बैंड की तरफ थोड़ा कम ही पसंद है, तो इसलिए हमें व्लॉग शूट नहीं कर सकती, लेकिन बाहर कहीं जाऊँगी तो पक्का करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।